हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास फीफा 23 गेम में FPS ड्रॉप हो रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है बैकग्राउंड में से अननेसेसरी ऐप्स को रिमूव कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर से बैकग्राउंड में से जो ऐप्स आपके पास यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। जैसे कि अभी आपको जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैनगार्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी ऐप्स आपके पास बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए, फिर आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, इसको आप डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए, फिर से आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहां पर अपडेट हो गए हैं। उसके बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है, फिर आप इसको क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आप यहां पर इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस में जो है सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर गेमिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह फीचर को जो है आपको टर्न ऑफ कर देना है इस तरीके से। टर्न ऑफ कर आप इसको जो है क्लोज कीजिए यहाँ पर से। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप फीफा 23 ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।